हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यदि आपके बाल भी लंबे समय से रेगुलर झड़ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही तेज़ी से ऐड करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके बालों का झड़ना तो कम होगा ही, साथ ही आपके बाल तेज़ी से लंबे होंगे और घने होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको सारी बातें डिटेल में जानने को मिलेंगी। और यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिए। देखिए, हमारे बालों का झड़ना और उसकी जगह पर नए बाल आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होती है। सभी के साथ ऐसा होता है कि 3 से 4 साल में लोगों के बाल झड़ते हैं, यानी कि बालों की जो लाइफ लाइन रहती है या लाइफ रहती है वह 3 से 4 सालों की ही होती है। इसके बाद हमारे बाल झड़ते हैं और उसकी जगह पर नए बाल आते हैं। लेकिन यदि नए बाल नहीं आ रहे हैं और रेगुलर आपके बाल बहुत ही तेज़ी से झड़ते जा रहे हैं तो यह आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 चेंजेस आपको तुरंत करने हैं यदि आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं तो। और यदि ये चेंजेस आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके बालों का झड़ना तेज़ी से बंद होगा। सबसे पहला जो चेंजेस आपको करना है अपनी लाइफस्टाइल में वह है आपके शैम्पू को चेंज करना, चेंज योर शैम्पू। आज के समय में आप देखेंगे कि मार्केट में वैरायटी ऑफ शैम्पू मिल जाएंगे जिनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनका हम नाम भी नहीं जानते। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू चुनें और आप जो भी शैम्पू चेंज करते हैं उसे आप कम से कम 2 महीने रेगुलर यूज़ करें। इससे क्या होगा, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं वह आपके बालों के लिए सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला चेंजेस यही आपको करना है कि आपको अपना शैम्पू चेंज करना है। इसके बाद आपको सेकंड चीज़ जो करनी है वह है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी पावरफुल प्रोसेस है ना, जो ना सिर्फ आपके बालों का झड़ना रोकेगी बल्कि आपके शरीर से और भी कई तरह की गंभीर बीमारियों को दूर करेगी। और मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ हम आज के समय नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका यूज़ हजारों सालों से होता आ रहा है और यह हमारे शरीर की लगभग 70% बीमारियों को ठीक कर देता है। जो भी बीमारियां हमें होती हैं उनमें से 70% बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आप मेडिटेशन करके ख़त्म कर सकते हैं और जिनमें बालों का झड़ना भी एक प्रोसेस है। यदि आप अपने 15 मिनट का समय देकर रेगुलर 15 से 20 दिन मेडिटेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो आप अपने शरीर में इसके चेंजेस खुद ही देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में इंटरनल पावर आ रही है, साथ ही आप जो है फोकस कर पा रहे हैं, आपके बालों का झड़ना कम हो रहा है, साथ ही आपके बाल जो है वह अंदर से इस प्रोसेस को करने से मजबूत होते हैं। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। यदि आप 15 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप 5 मिनट मेडिटेशन करिए, 10 मिनट मेडिटेशन करिए, लेकिन आप अपनी लाइफ में इसे ज़रूर ऐड करिए। अब इसके बाद जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है वह है फूड इनटेक। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका सीधा असर आपके पूरे शरीर पर होता है। और हम जो भी खाते हैं वो सभी चीज़ें धीरे धीरे हमारी बॉडी में असर करती हैं और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हमें एहसास होता है कि हमारे बालों के झड़ने का एक कारण हमारे फूड का पैटर्न भी हो सकता है। तो यदि आपके बाल भी रेगुलर झड़ रहे हैं तो आप आज से ही अपने फूड पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, क्या आपको नहीं खाना चाहिए और किस तरह की चीज़ें आपको अपने फूड में ऐड करनी चाहिए। तो यदि आपके बाल रेगुलर झड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि तेज़ी से आपके बालों का झड़ना रुके तो आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, फास्ट फूड आप बिल्कुल मत खाइए, सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक आप मत पीजिए, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें मत खाइए, साथ ही आप बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें भी मत खाइए। ये सभी आपके बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। एक और कारण होता है हमारे बालों के झड़ने का, वह होता है हमारे शरीर में पानी की कमी होना। यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो इसकी वजह से भी आपके बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपके बाल ड्राई भी होते हैं। तो आप रेगुलर पानी पीजिए, 5 से 6 लीटर पानी पीना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि कौन से विटामिन
विटामिन्स और कौन से प्रोटीन आपके बालों के लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके बालों के लिए ज़रूरी होता है वह होता है विटामिन सी, क्योंकि यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इससे आपके जो बाल हैं वो उसमें रूखापन आ जाता है और सिर की जो स्कैल्प होती है उसमें सूखी पपड़ी जम जाती है। तो विटामिन सी की कमी होने की वजह से आपको यह होता है, और यदि आपके बाल रूखे होते हैं तो इसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है वह भी आपके बालों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी आपके बालों की जो मोटाई होती है उसे बढ़ाता है। जिन लोगों के बाल पतले होते हैं उन लोगों को विटामिन डी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और विटामिन डी लेने का सबसे बेहतर सोर्स होता है आप 10 से 15 मिनट धूप में बैठे, इससे आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा आपके बालों के लिए एक और विटामिन जरूरी होता है, जो कि होता है विटामिन ई। सह शरीर में सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को उत्तेजित करता है, जो आपके बालों को सुंदर, घना और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो विटामिन ई भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन सभी विटामिन्स और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने खाने में हरी सब्जियों को ज़रूर ऐड करिए और सैलेड आप ज़रूर खाइए। बहुत से लोग ऐसे होते जो कि अपने खाने में सलाद बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि आपके बालों के झड़ने का होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें अपने फूड में ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा आप स्प्राउट्स खाइए। अंकुरित अनाज आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अंकुरित अनाज खाने से आपको इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, विटामिन्स भी मिल जाएंगे, जो भी मिनरल्स होते हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं। हमारे बाल जो होते हैं वह कैरेटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसके लिए आप दालें खा सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, ताजे फल आप खाइए, सूखे मेवे खाइए, ये सभी चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो आप प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर खाइए। यदि आप रेगुलर इन्हें खाते हैं तो इससे आपके बाल जो है वह बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और बालों का झड़ना भी बहुत ही कम हो जाता है। इसके बाद जो आपको अगली चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना है वह है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ होती है आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह तेज होता है, आपके जो सिर के सेल्स होते हैं उन्हें एक्टिव होने में मदद मिलती है। इसलिए आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करिए। इससे ना सिर्फ आपके बाल हेल्दी होंगे बल्कि आप खुद भी हेल्दी होंगे, आपकी बॉडी फिट होगी, जिससे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो आपको एक्सरसाइज करना भी शुरू करना है। बहुत सारी एक्सरसाइज है जिन्हें आप कर सकते हैं, कुछ योगासना भी होते हैं जिसे करने से आपके बालों का झड़ना कम होता है। इसके अलावा कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका रेगुलर सेवन करने से आपके बालों का झड़ना तो कम होता ही है, साथ ही आपके बाल अंदरूनी तरीके से मजबूत होते हैं। तो इसके लिए आप संतरा खाइए, संतरा खाने से आपके बाल मजबूत होंगे, साथ ही आप अंगूर का सेवन करिए और नींबू खाने से भी आपके बाल जो है वह मजबूत होते हैं। इसके अलावा जामुन सबसे बेहतर फल माना गया है बालों की बेहतर ग्रोथ के लिए और उन्हें मजबूत करने के लिए। तो ये सभी फल खाने से आपके बाल हेल्दी होंगे और मजबूत होंगे।